ओके हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड मेथड, हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। ठीक है, इसके पहले लेक्चर्स में आपने देखा कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, और उसके हमने कुछ दो रूल पढ़े थे। आज हम देखेंगे मेथड नंबर टू, हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। ओके, तो आपको प्रॉब्लम में कुछ कोई एग्जांपल में कुछ आर्बिट्री फंक्शन दिए जाएंगे। सपोज करो z इक्वल टू या पे f1 या पे समथिंग x और y का फंक्शन, ओके, प्लस या पे f2 या पे समथिंग x और y का फंक्शन। तो ये जो दोनों फंक्शन आते हैं f1 एंड f2, इसको कहते हैं आर्बिट्री फंक्शंस। ओके, तो इन दोनों फंक्शन को रिमूव करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। अब आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव कैसे करते हैं, ओके, उसके लिए रूल क्या है, कितने ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन से फॉर्म होगा। ओके, तो इसके लिए स्टडी कर रहे थे। देखो, अगर इक्वेशन में सपोज करो कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है, जितने आर्बिट्ररी फंक्शंस होंगे, ठीक है ना, एग्जांपल में, प्रॉब्लम में, या फिर फंक्शंस में जो आपको गिवन फंक्शन दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन जितने होंगे उतना ही ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है ना, आपको आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जो भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसका ऑर्डर कितना आएगा, उसका ऑर्डर इतना आएगा जितने आर्बिट्ररी फंक्शंस, ठीक है ना, प्रॉब्लम में प्रेजेंट रहेंगे उतना ही ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि प्रॉब्लम में आर्बिट्ररी फंक्शन 1 है, तो कौन से ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, फर्स्ट ऑर्डर का। अगर प्रॉब्लम में आर्बिट्ररी फंक्शंस 2 आ रहे हैं तो कौन सा ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, सेकंड ऑर्डर का। अगर प्रॉब्लम में 3 आर्बिट्ररी फंक्शंस आ रहे हैं तो कौन से ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर का। ओके, सो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस प्रेजेंट इन द इक्वेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, उतना ही ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। ओके, नाउ अब देखते हैं इसके लिए कुछ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, देखो अब आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव कैसे करते हैं, बहुत आसान। अगर एक आर्बिट्री फंक्शन है तो एक बार डिफरेंशिएट करना, एक बार x से एक बार y से, दोनों को कंपेयर कर लेना। मतलब आपको क्या करना है, इस आर्बिट्री फंक्शंस की वैल्यू डेरिवेटिव में कहीं है क्या नहीं वो देखना है। ओके, वो है तो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फॉर्म होगा। ओके, नहीं तो जनरली ऐसा होता नहीं, होता क्या है कि ये जो गिवन इक्वेशन आपको दिया गया है इसको एक बार x से एक बार y से डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अगर एक आर्बिट्री फंक्शन है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, बाद में दोनों इक्वेशन से f डैश की वैल्यू निकाल लेना, आपको रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, चलो प्रोसेस देखते हैं प्रॉब्लम में। तो इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री फंक्शन है, ओनली 1। ओके, किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो अगर मुझे इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो यहाँ पे एक आर्बिट्री फंक्शन है। ओके, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो इसका मतलब इसको एक बार एक्स से और एक बार वाई से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना मिलेगा यहाँ पे, डेल जेड बाय डेल एक्स। ओके, नाउ हाँ, एफ का डेरिवेटिव आर्बिट्री फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश लिखेंगे। ओके, अब एफ किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो एफ डैश भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फंक्शन रहेगा, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश। ओके, अब इसके मतलब इसके ब्रैकेट में जो जिसका फंक्शन है एफ उसका डेरिवेटिव सेपरेट करो। ओके, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना, 2x, और वाई स्क्वायर का 0। इस तरीके से आपको आर्बिट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो यहां पे कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा 2x मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यहां से एफ डैश की वैल्यू निकल सकती है, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2x है, सो 1/2x, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर क्या, तो डिविजन में, इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, आपको एफ की वैल्यू मिलती है कि नहीं, एफ डैश की वैल्यू मिलती, आपको एफ को हटाना है। ओके, तो हम एक काम करेंगे, एक बार ऐसे एक्स से डिफरेंशिएट किया, सिमिलरली वाई से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो जेड का डेरिवेटिव डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू, हाँ, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है इसलिए एफ का डेरिवेटिव एफ डैश। अगर सपोज करो कि इसमें एक्स होता वाई नहीं होता तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट जीरो लिखते, समझ जाना। ओके,
क्योंकि यह जो फंक्शन है वो x और y दोनों का फंक्शन, तो f का डेरिवेटिव f डैश या फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो गया f का डेरिवेटिव। ओके नाउ अब वो किसका फंक्शन है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का सेपरेट डेरिवेटिव, y से डिफरेंशिएट कर रहे तो x स्क्वायर का 0 और y स्क्वायर का 2y, मतलब आपको मिलता है यहाँ पे डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस 2y f डैश ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देयरफॉर यहां से f डैश क्यों निकाल दो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2y यहां पे डेल z बाय डेल y, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। आपको f को रिमूव करना या फिर f डैश को रिमूव करना, बात एक ही हो क्योंकि f डैश जो है वो f का डेरिवेटिव। ओके ना, अब f डैश रिमूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली f भी रिमूव हो जाएगा। अब देखो f डैश कहां पे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में f डैश की वैल्यू, मतलब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर सकते हो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, f डैश यहां पे f डैश। ओके ना, सो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों को कंपेयर करता हूं मैं, सो यहां पे मिलेगा 1 अपॉन 2x डेल z बाय डेल x, यहां पे माइनस 1 अपॉन 2y डेल z बाय डेल y, 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, y इधर आएगा y डेल z बाय डेल x को मैं p लिखता हूं। ओके माइनस x इधर आएगा यहां पे डेल z बाय डेल y को q। ओके तो यहां पे मिलेगा आपको py प्लस qx इक्वल टू 0, तो ये होता है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फंक्शन, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, समझ में आया? और एक एग्जांपल 33 के बेस लिख लीजिए इतना। ओके चलो एग्जांपल देखते हैं, इसमें कितने आर्बिट्री फंक्शन आ रहे, एक ही आ रहा है। ओके आपको इस आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, तो इसमें एक ही आर्बिट्री फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ओके अगर ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो इसको एक बार x से डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y से, और देखेंगे कि f की वैल्यू मिलती है या फिर f डैश की वैल्यू मिलती है। ओके तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके z का डेरिवेटिव डेल z बाय डेल x, यहां पे x नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2, f जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, तो f का डेरिवेटिव f डैश लिखो, ये जिसका फंक्शन है वो लिखो एस इज 1 बाय x प्लस log ऑफ y। ओके अभी जिसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सेपरेट करो। ओके अब 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस log ऑफ y का 0, तो इसका आंसर मिलता है माइनस 2 बाय x स्क्वायर या फिर f डैश ऑफ 1 बाय x प्लस log ऑफ y। ठीक है, ये है डेल z बाय डेल x, यहां से f डैश कर निकाल लो, सो देयरफॉर f डैश ऑफ 1 बाय x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू, ये मिलता है आपको माइनस x स्क्वायर डेल z बाय डेल x, ठीक है, अपॉन में 2, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जैसे x से डिफरेंशिएट किया वैसे y से करेंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कितना मिलेगा यहां पे लिखता हूं, सो मिलेगा डेल z बाय डेल y इज इक्वल, ओके हाँ यहां पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, ये जो आर्बिट्री फंक्शन है ये x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसके डेरिवेटिव होगी 2 टाइम f का डेरिवेटिव f डैश यहां पे 1 बाय x प्लस log ऑफ y। ओके नाउ अब जिसका फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव सेपरेट, फर्स्ट टर्म में y नहीं तो 0, यहां पे log ऑफ y का डेरिवेटिव 1 बाय y, तो यहां पे कितना मिलेगा आपको 2y प्लस 2 अपॉन y यहां पे f डैश ऑफ 1 बाय x प्लस log ऑफ y। ठीक है, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। ओके ना, आप यहां से f डैश क्यों निकाल सकते हो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में f डैश को आप कंपेयर कर सकते हो, यहां से f डैश ऑफ f डैश की वैल्यू निकाल दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो f डैश की वैल्यू आपके पास माइनस x स्क्वायर बाय 2 डेल z बाय डेल x, ये यहां पे पुट अप करो, हो गया आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अल्टीमेटली आपको f डैश को रिमूव करना है। ओके सो मैं इसमें 2 का यूज करूंगा, सो डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 2y प्लस यहां पे 2 बाय y, ओके ब्रैकेट में f डैश की वैल्यू माइनस x स्क्वायर बाय 2, सो माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल z बाय डेल x, 2 के साथ 2 गेट कैंसल,
तो आपका आंसर मिलता है डेल जेड बाय डेल वाई को मैं क्यू लिखता हूं, यहां पे 2y माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं लिखता हूं पी। ओके, तो ये होता है आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप y से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सो यहां पे क्यू वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर पी, ओके, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। और दो तीन एग्जांपल देखते हैं, इतना लिख लीजिए। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में कितने आर्बिट्री फंक्शन आ रहे हैं जरा चेक करो, यहां पे एफ यहां पे जी है, दो आर्बिट्री फंक्शन है। फंक्शन दिया आपको जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई टी प्लस जी ऑफ एक्स माइनस आई टी। वॉट इज आई, आई इज इमेजिनरी नंबर, आई क्यू आपको पता कितनी होती है, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो इस एग्जांपल में दो आर्बिट्री फंक्शन आ रहे हैं, तो इससे जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा सेकंड ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि दो आर्बिट्री फंक्शन है, हमें दोनों आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करना है और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी है, ठीक है ना। इसके पहले वाले एग्जांपल में एक्स और वाई था, यहां पे एक्स और टी है, तो यहां पे दो बार एक्स से दो बार टी से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। So, अब इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर वन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलता है डेल जेड बाय डेल एक्स। ओके, इसमें एक्स की टर्म है तो मतलब एफ का डेरिवेटिव एफ डैश यहां पे एक्स प्लस आई टी, ठीक है, और एक्स प्लस आई टी का डेरिवेटिव एक्स का वन आई टी का जीरो, क्योंकि आई टी में एक्स नहीं, तो यहां पे वन मतलब उतना ही मिलेगा, प्लस यहां पे जी डैश ऑफ एक्स माइनस आई टी, इस तरीके से। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर टू, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस आई टी। ओके, और एक्स प्लस आई टी का डेरिवेटिव वन होता है, यहां पे एक्स माइनस आई टी का डेरिवेटिव वन। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर थ्री, अब दो बार एक्स से डिफरेंशिएट किया, अब इक्वेशन नंबर वन को दो बार वाई से, सॉरी वाई से नहीं टी से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे डेल जेड बाय डेल टी, हाँ बोलो कितना मिलेगा, डेल जेड बाय डेल टी एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस आई टी, ओके, और एक्स प्लस आई टी का डेरिवेटिव कितना, यहां पे x का जीरो, i कॉन्स्टेंट है बाहर, t का डेरिवेटिव वन, तो यहां पे i प्लस यहां पे g डैश ऑफ x माइनस आई टी और x माइनस डेरिवेटिव कितना माइनस i, ठीक है ना, तो i को आप कॉमन निकाल सकते हो, i कॉमन निकाल लिया मैंने, यहां पे f डैश x प्लस आई टी माइनस यहां पे g डैश प्लस इंटू माइनस माइनस यहां पे x माइनस आई टी। ठीक है, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर फोर। अब जरा देखो, आपको दोनों आर्बिट्री फंक्शन रिमूव करने, एफ डैश जी डैश भी रिमूव कर सकते हो, एफ डबल डैश जी डबल डैश को भी रिमूव करके आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो यहां पे इक्वेशन नंबर टू में एफ डैश प्लस जी डैश के लिए मिल रही, लेकिन इक्वेशन नंबर फोर में एफ डैश माइनस जी डैश के लिए मिल रही। अगर ऐसा होता कि यहां पे एफ डैश, ओके, और यहां पे प्लस जी डैश आता तो मैं क्या करता, ये जो वैल्यू है डेल जेड बाय डेल एक्स ये यहां पे पुट अप करता, लेकिन यहां पे प्लस सही नहीं, यहां पे माइनस सही नहीं, मैं पुट अप नहीं कर सकता, हमें और सेकंड डेरिवेटिव जाना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे मिलेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर। इतनी स्टेप समझ में आ गई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, आई कॉन्स्टेंट है बाहर, यब डैश का डेरिवेटिव यब डबल डैश एक्स प्लस आई टी, ओके, और एक्स प्लस आई टी का कितना विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, एक्स का जीरो आई टी का आई माइनस जी डैश का जी डबल डैश यहां पे एक्स माइनस आई टी और एक्स माइनस आई टी का माइनस आई, ठीक है, फिर से आई कॉमन निकाल लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आई को कॉमन निकाला आई स्क्वायर और यहां पे
एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस आई टी प्लस ये माइनस माइनस प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस आई टी ओके ना। अब जरा देखो इसके एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश यहां पे भी एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश ओके। तो आप एक तो एफ और डैश को रिमूव करो या फिर एफ डैश प्लस जी डैश को रिमूव करो या फिर एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश को रिमूव करो बात एक ही ठीक है ना। आपको रिमूव करना है आर्बिट्री फंक्शन। अब इसकी वैल्यू कितनी है एफ डबल डैश प्लस जी डबल डैश ये है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 से। सो ये आई स्क्वायर यहां पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कहां से लिखा आपने सिंस इक्वेशन नंबर 3 से ओके। आई स्क्वायर के लोग माइनस 1 तो यहां पे माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रीजन देना आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 सो देयरफॉर आपका आंसर मिलता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आ दो प्लस हो गया ये और यहां पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0 सो विच इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फंक्शन ठीक है समझ में आया। और एक दो प्रॉब्लम देखते लिख लीजिए इतना ओके। अब देखते फोर्थ एग्जाम्पल एक्स वाई जेड इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री फंक्शन है ओनली 1 दैट इज 5 तो इससे जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा हमें फाइव को रिमूव करना लेकिन इन दैट केस फाइव जो फंक्शन है वो एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन है। इसके पहले वाले एग्जांपल में जो आपका आर्बिट्री फंक्शन था वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन था लेकिन जेड का नहीं था यहां पे ये जो फाइव है यहां पे ये जेड का भी फंक्शन है ओके। तो एक ही आर्बिट्री फंक्शन है तो एक ही बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा मतलब इसका जो भी ऑर्डर मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 मिलेगा। तो चलो एक एक बार डिफरेंशियल करते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले एक्स से डिफरेंशियल करते हैं। तो यहां पे एक्स भी वेरिएबल रहेगा और जेड भी वेरिएबल रहेगा क्योंकि जेड जो रहेगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है ओके। उसका डेरिवेटिव करने पड़ेगा। अब यहां पे x और z मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं हाँ यहां पे y कांस्टेंट होगा अगर आप x से डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट y से डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट होगा ओके ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि z इक्वल टू phi ऑफ x प्लस y प्लस z अपॉन x y लेकिन इन दैट केस अगर आप अपॉन में x और y लेके जाओगे तो यहां पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन के लिए। तो बेटर है x और y लेफ्ट हैंड साइड में रहते हो और प्रोडक्ट रूल लगाओ क्योंकि प्रोडक्ट रूल इजी जाता है। सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहां पे रहेगा वाई कॉन्स्टेंट ब्रैकेट में हाँ एक्स और जेड का डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले एक्स को कॉन्स्टेंट जेड का डेरिवेटिव डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस ओके ना। अभी जेड को कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू फाइव का डेरिवेटिव फाइव डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओके ना ये हो गया फाइव का डेरिवेटिव। अब ये फाइव जो फंक्शन है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव सेपरेट ओके नाउ आप एक्स से डिफरेंशिएट कर दो एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई का 0 और जेड का आएगा डेल जेड बाय डेल एक्स ठीक है ना। अब डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं पी अज्यूम करता हूं क्योंकि आपको रोटेशन पता ही है तो यहां पे वाई मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा वाई एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं पी लेता हूं ओके। यहां पे वाई जेड इज इक्वल टू ओके यहां पे फाइव डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओके और यहां पे 1 प्लस पी मैं यहां से फाइव डैश टर्म निकालूंगा सो देयरफॉर फाइव डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यह आएगा आपका एक्स वाई पी प्लस वाई जेड अपॉन 1 प्लस पी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिविजन में इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर ठीक है ना। अब सिमिलरली आपको ऐसी डेरिवेटिव करना अब देखो डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y ओके ना। तो सिमिलरली करके लिखता हूं सो यहां पे फाइव डैश ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ठीक है ना कितना आएगा अब यहां पे एक्स वाई पी आ रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे q आएगा ठीक है। अब यहां पे कौन लगता है एक्स वाई पी है तो यहां पे एक्स वाई क्यू आएगा प्लस यहां पे वाई जेड आया अगर मैं एक्स से डिफरेंशिएट करता तो वाई जेड आता है वाई से करूंगा तो एक्स जेड आएगा
अपॉन में यहां पे आएगा वन प्लस पी, तो यहां पे आएगा वन प्लस क्यू, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर थ्री। अब दोनों में फाइव डैश है, दोनों के लेफ्ट हैंड से कंपेयर करो, सो फ्रॉम टू एंड थ्री क्या लिख सकते हो, दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई पी प्लस वाई जेड अपॉन में वन प्लस पी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड अपॉन में वन प्लस क्यू, ओके ना। अब क्रॉस मतलब ये वन प्लस क्यू से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहां पे मिलेगा एक्स वाई पी, ठीक है ना, प्लस वाई जेड प्लस ओके, अब क्यू से एक्स वाई पी क्यू प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू, अभी वन प्लस पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वन से करेंगे तो एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड ओके नाउ प्लस, अभी पी से करते तो एक्स वाई पी क्यू और यहां पे एक्स जेड इंटू पी, तो एक्स वाई पी क्यू एक्स वाई पी क्यू दोनों तरफ है कैंसिल। अब P और Q की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बाकी सभी टर्म्स, तो यहां पे एक्स वाई पी इधर कौन सी P की टर्म है प्लस माइन, ये एक्जेड पी है इधर आएगा तो माइनस एक्जेड पी प्लस यहां पे वाई जेड क्यू, इधर Q की टर्म कौन सी है एक्स वाई क्यू, तो माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू यहां पे एक्जेड और ये माइनस यहां पे वाई जेड, कुछ नहीं टर्म्स को इधर से उधर लेके। अब यहां से क्या कॉमन निकलते हैं, एक्स कॉमन निकलता है और पी कॉमन निकलता है, ब्रैकेट में कितना बचेगा वाई माइनस जेड ओके प्लस, यहां से क्या कॉमन निकलता है वाई कॉमन निकलता है और क्यू कॉमन निकलता है, ब्रैकेट में बचेगा जेड माइनस एक्स ओके इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन निकलेगा यहां से जेड कॉमन निकलेगा यहां पे एक्स माइनस वाई, सो विच इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ओके। और एक प्रॉब्लम देखते लिख लीजिए इतना ओके ये लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमें इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो कितने आर्बिट्री फंक्शन है एफ वन एंड एफ टू, दो आर्बिट्री फंक्शन है, तो इससे जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा। अब चलो सेकंड ऑर्डर का है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, सो सबसे पहले डेल जेड बाय डेल एक्स डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ वन जो फंक्शन है वही एक्स का फंक्शन है, एफ टू जो फंक्शन है वो वाई का फंक्शन है, तो जब मैं एफ वन को डिफरेंशिएट करूंगा तो ओनली एक्स से करूंगा, इसमें वाई नहीं है ओके, अगर एफ टू को करूंगा तो वाई से करूंगा, लेकिन अगर जब आप एक्स से डिफरेंशिएट करोगे तो एफ टू में एक्स नहीं है, तो इसका मतलब एफ टू ऑफ वाई एक कांस्टेंट फंक्शन होगा ओके, अगर मैं वाई से डिफरेंशिएट करता हूं तो इन दैट केस एफ वन एक कांस्टेंट होगा, तो यहां पर डेल जेड बाय डेल एक्स कितना है एफ वन एक्स का फंक्शन है, एफ टू ऑफ वाई एक कांस्टेंट होगा क्योंकि एफ टू ये एक्स का फंक्शन नहीं है, तो एफ वन का डेरिवेटिव एफ वन डैश ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन ओके, और एफ टू ऑफ वाई एज इट इज रहेगा, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर टू, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहां पे कितना मिलेगा यहां पे मिलेगा एफ वन डबल डैश ऑफ एक्स इंटू यहां पे एफ टू ऑफ वाई, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है समझ में, दो बार एक्स से किया तो ऑनली यही एक फंक्शन वेरिएबल का एफ टू जो है वो कॉन्स्टेंट का ओके ना, अगर मैं डेल जेड बाय डेल वाई निकालता हूं जेड को पार्शियली वाई से डिफरेंशिएट करता हूं तो अभी एफ वन कॉन्स्टेंट होगा ठीक है, और एफ टू का डेरिवेटिव एफ टू डैश ऑफ वाई रहेगा और वाई का वन ओके, तो सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल, सो यहां पे एफ वन ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट और यहां पे एफ टू डबल डैश ऑफ वाई ठीक है, इसको फोर इसको फाइव। अब देखें कुछ कहां से रिमूव होता है क्या, नहीं, यहां पे एफ वन डबल डैश है यहां पे एफ टू डबल डैश है ओके, यहां पे अब देखो वैल्यू निकालने के लिए एफ वन डैश की सिर्फ एफ वन डैश जो है वो इक्वेशन नंबर टू में है, बाकी कहीं पे भी एफ वन डैश नहीं, तो आप एफ वन डैश की वैल्यू निकाल सकते ओके। अच्छा चलो यहां से एफ वन डैश की वैल्यू निकाली हुई ओके, तो लेकिन एफ वन डैश की वैल्यू पुटअप करने के लिए नीचे कहीं एफ वन डैश नहीं है, सिमिलर वैसे एफ वन डबल डैश कहीं पे भी नहीं है, एक ही इक्वेशन में आ रहा है, एफ टू डैश भी एक ही इक्वेशन में आ रहा है और एफ टू डबल डैश भी एक ही इक्वेशन में आ रहा है, तो इसकी जैसे सेकंड वैल्यू मतलब एफ टू डबल डैश कहीं दूसरी इक्वेशन में नहीं है, अगर होती तो मैं यहां से एफ टू डबल डैश की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुटअप कर सकता था, लेकिन ऐसे किसी भी टर्म्स के लिए ऐसा नहीं हो रहा है
ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब दो तो फंक्शन है हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन, दो बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। लेकिन दो तो बार हमने डेरिवेटिव किया, सभी डेरिवेटिव दो बार हुई है कि नहीं, एक डेरिवेटिव और भी बची। आपने z को x से डिफरेंशिएट किया दो बार, z को y से डिफरेंशिएट किया दो बार, लेकिन और एक z की सेकंड डेरिवेटिव बची है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, उसको हमने देखा ही नहीं, ठीक है ना, पहले वो देख लेते। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा टू को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, टू को y से डिफरेंशिएट करो, नहीं तो फिर फोर को x से डिफरेंशिएट करो, एक ही बात, डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके ना। तो यहां पे आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, ओके। तो अगर मैं y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पे f1 डैश ऑफ x, ओके, और यहां पे f2 डैश ऑफ y, ओके, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 6, अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अभी जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट है, मतलब सभी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब चलो देखते हैं कि f1 डैश f2 डैश कहीं मिल सकता है कभी ना। अब क्या हो सकता है, यहां से f1 डैश की वैल्यू निकाल के मैं यहां पे पुटअप कर सकता हूं, लेकिन यहां पे f2 ऑफ y आ सकता है, ओके ना। तो किया क्या जा सकता है वो चेक कर लेते, ओके। अगर सपोज करो कि इसको अगर मैं यहां पे f1 डैश है, अगर मैं यहां पे f2 डैश ऑफ y से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो सकता है, ओके तो यहां पे क्या मिल सकता है, यहां पे हो सकता है f1 डैश ऑफ x और f2 डैश ऑफ y, तो इसके अलावा मैं यहां पे पुट अप कर सकता हूं, ओके। लेकिन f2 ऑफ डैश फिर से प्रॉब्लम, क्या कर सकते, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या हो सकता है बताइए। देखो यहां पे f1 डैश f2 डैश मिला, f1 डैश यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 4 में f2 डैश है, ओके। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो f1 डैश इंटू f2 डैश आएगा, मतलब जिसकी इसकी वैल्यू जो आए आपके पास वो यहां पे पुट अप कर सकते हो, साथ में यहां पे f1 और इंटू f2 आएगा, लेकिन f1 इंटू f2 की कितनी है, z है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाला जा सकता है, ओके। सो इन दैट केस आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, ओके, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन नंबर 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, ओके। सो यहां पे मिलेगा डेल z बाय डेल x इंटू डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू, ओके। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहां से f1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, डेल z बाय डेल x अपॉन f2 ऑफ y, वो भी चल सकता है, ओके ना। तो चलो मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मिलेगा f1 डैश ऑफ x इंटू f2 ऑफ y इंटू यहां पे f1 ऑफ x और यहां पे f2 डैश ऑफ y, ठीक है ना। सो यहां पे f1 डैश ऑफ x इंटू f2 डैश ऑफ y पास पास में निकले थे, इंटू यहां पे f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ y, ओके ना। अब इसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास है, ये है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू f1 इंटू f2 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में दी है, इतनी z, तो कहां से लिखा आपने, सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड 6 से लिखा, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिला z डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल z बाय डेल x इंटू डेल z बाय डेल y, ठीक है। तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ता है बाय इमिटिंग आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। अब आर्बिट्री फंक्शन में हमने सिंपल आर्बिट्री फंक्शन देखे, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोजिट जो फंक्शन आते हैं आर्बिट्री कंपोजिट फंक्शन उसको कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए प्रोसेस कुछ अलग है, तो उसके एग्जाम्पल्स जो जनरली आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतना लिख लीजिए, ठीक है, होमवर्क आपको मॉडल पे दी जाएगी।